शेर सर, जैसा कि आपने बताया कि पार्टनर 7 दिनों तक परिक्रमा में बिजी है, तब तक मैं जाकर उस कटोरा यंत्र को बर्बाद कर देता हूँ ना। विवान कलोरा यंत्र? हाँ वही वही कलोरा यंत्र। अब जैसे ही वो यंत्र टूटेगा, उस डमरू केतु से शक्तियाँ निकलना भी बंद हो जाएगी ना। विवान धूम्र केतु? अरे डमरू केतु ही है धूम्र केतु, बात तो एक है ना। अभी चलो चलो बढ़िया, काम खत्म करते हैं। नहीं विवान, तुम इस काम के लिए अभी तैयार नहीं हो। ये काम तो परियों के लिए भी आसान नहीं होगा। तो फिर मैं आप लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ? तुम अभी पृथ्वी लोक वापस जाओ, वहाँ तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तिमनासा की काली शक्ति का असर तुम्हारी बहन खुशी पर भी हुआ है। तुम ये यात्रा यंत्र अपने पास रखो, जब भी तुम्हारे ऊपर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इस यंत्र के इस्तेमाल से तुम वापस भी लोक आ सकते हो। और कहाँ कहाँ यात्रा कर सकता हूँ मैं इस यात्रा यंत्र की मदद से? इस यंत्र से तुम पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी पहुँच सकते हो। वाह, ये तो एकदम ट्रैवल पास की जैसा है, जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाओ। हाँ विवान, वैसा ही कुछ। पर इस यंत्र का इस्तेमाल बहुत जरूरत पड़े तभी करना विवान। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे घर के ऊपर हम एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच लगाने वाले हैं, ताकि तिमनासा अंदर ना आ सके। पर अभी तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम आज पूरा दिन घर से बाहर नहीं निकलोगे। आओ वादा करो। बालवीर वीरलोक की परिक्रमा कर रहा है अपनी माँ को वापस लेके जाने के लिए, और इसलिए वो अच्छाई की तरफ खिंच रही है। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना भैमार, ये बालवीर अपनी माँ के लिए परिक्रमा कर रहा है, इसका मतलब पृथ्वी इस वक्त सुरक्षित नहीं है, या उसकी सुरक्षा के लिए छोटा बालवीर है उसका उत्तराधिकारी। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जब भी तुम्हारे ऊपर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इस यंत्र के इस्तेमाल से तुम वापस पीठ लोक आ सकते हो। विवान, विवान, उठ बेटा, सुबह हो गई है, अरे स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। विवान उठ ना, जल्दी कर। खुशी, खुशी उठ बेटा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मुझे नहीं आना स्कूल। किस बात से इतना नाराज है तो खुशी? पहले तो कभी तूने ऐसा नहीं किया मेरे साथ। मकसद सिर्फ एक होना चाहिए, जीतना। फिर चाहे उसके लिए हमें अच्छाई का रास्ता चुनना पड़े या फिर बुराई का। मम्मी, मम्मी आप चिंता मत करो, दीदी जिस वजह से भी ये बर्ताव कर रही है ना, उस वजह को मैं दूर कर दूंगा। मैं हूं ना मम्मी, दीदी जल्दी ठीक हो जाएगी। बोलो नहीं सुनो, है तो घर में सबसे छोटा, पर बातें बड़ी बड़ी कर रहे, पर अच्छा लग रहा। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, वरना लेट हो जाएगा। सिर्फ बातें नहीं कर रहे हो मम्मी, उस काल लोग की बहरानी की तो खैर नहीं। अब उसने मेरी दीदी और मेरी दोस्तों का ये हाल किया, इसका जवाब तो उस बहरानी को जरूर मिलेगा।
माँ बाप कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और फिर माँ बाप ही रोकते हैं बच्चों को उनके मन की चीजें करने से, है ना? तो ये तो गलत बात हुई ना। अब बच्चों का जो मन करता है उन्हें करना चाहिए, क्योंकि वो तो मन के अच्छे होते हैं। अब से तुम लोगों का जो भी मन आए वो करना, चाहे वो सही हो या गलत, अच्छा हो या बुरा हो, जो मन में आए सब करना, लेकिन मन को मत मारना। प्रिंसिपल मिस, मुझे उस प्रोजेक्ट को तोड़ने का मन कर रहा है, क्या मैं तोड़ दूं? बहुत जल्द दुनिया के हर बच्चे के दिल में छुपे इस शैतान को बाहर निकालना है मुझे, लेकिन मेरा सबसे जरूरी शिकार छोटा बालवीर है कहाँ? तो ये है कालोक की बहरानी, आज इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरा इस पर यहाँ हमला करना ठीक नहीं होगा, परियां कभी भी आकर रोड़ा डाल सकती हैं, इसलिए इसको ऐसी जगह लेकर जाना होगा जहां काल परी की शक्तियों की भी जरूरत ना पड़े मुझे। अरे विवान, आज तुम्हारी बहन नजर नहीं आई खुशी? कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस कर दिया उसने मेरा। लेक्चर तो मैं तुम्हें दूंगा कि मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों पर नजर उठाने का क्या नतीजा होता है। तिमनासा, तो आखिरकार तुम मुझे पहचान ही गए कि मैं तिमनासा हूँ। अरे विवान, आज तुम्हारी बहन फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि तिमनासा से टकराने का अंजाम क्या है। तो तुम्हें भी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा फैमिली और मेरे कि मैं बालवीर हूँ, पर मेरा काम ही है तुम जैसी बुरी ताकत का दी एंड करना। ऐसा मत करना विवान, मुझे डर लग रहा है। ये देखो, मैं भूल गई थी कि तुम शक्तिशाली हो। मैं भी कैसी बातें करती हूँ, मैं तुमसे नहीं टकरा सकती, मुझे पता है तुम्हें बालवीर ने शिक्षा दी है। तो तुम्हें भी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि मैं ऐसा बोलूंगी, पर मेरा काम ही है तुम जैसी बुरी ताकत का। कहा ना मैंने तुमसे ऐसा मत करना विवान, अभी तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझसे टकराने। मुझे डर लग रहा है, इतना छोटा सा शरीर कैसे लड़ोगे तुम? मैं भूल गई थी कि तुम शक्तिशाली हो। तुम्हारी बहन और बाकी बच्चों के ऊपर जो मैंने बुराई का जादू किया है उसका भी एंड कैसे करूँ? तुम्हें वापस कालोक भेज कर ऐसा बोलूंगी दुनिया हो तिमनासा से मुक्त, वो चाहिए लुक कर। अभी तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझसे टकराने, छोटा सा शरीर लुक को। तुम्हारी बहन और बच्चों के ऊपर जो मैंने वापस ट्राई करो बुराई का जादू किया है दुनिया हो तिमनासा से मुक्त, वो चाहिए लुक को। तुम्हें वापस कालोक भेज कर दुनिया हो तिमनासा से मुक्त, मुझे लुप्त करके क्या करोगे? वो छोटे छोटे प्यारे से भोले से बच्चे तुम्हारी बहन खुशी, उनके ऊपर जो मैंने बुरी शक्ति का जादू किया है कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें कैसे बचाओ? वापस ट्राई करो। दुनिया हो निंदा शासन को, उस बुरी शक्ति का केंद्र बिंदु तो कालोक में है। लुप्त गुप्त करके क्या करोगे दुबारा? मेरा बनाया हुआ कलोरा यंत्र, वो छोटे छोटे जिसकी ऊर्जा से उन बच्चों पर वो बुरी शक्ति गई है, उनके ऊपर जो मैंने और उस यंत्र की शक्ति को खत्म करने के लिए तो तुम्हें काल्लोक आना होगा ना। ऐ हिम्मत काल्लोक जाने की, उस बुरी शक्ति का केंद्र भी डर गए काल्लोक में। अगर डर गए तो फिर इन मासूम बच्चों को कैसे बचाओगे? बनाया हुआ कलोरा यंत्र, बालवीर ने क्या तुम्हें यही सीख दी? जिसकी ऊर्जा से तो बालवीर की सीख पे मैं तुम्हें देती हूँ 100 में से, और उस यंत्र की शक्ति को खत्म करने के लिए तो तुम्हें कालो काना होगा ना। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मेरी उंगली पकड़ कर कालो चल सकते हो।
अगर डर गए तो फिर मैं तुम्हें संभाल कर लेकर जाऊंगी। कालरो बालवीर ने तो तुम्हें यही सीखी है। पकड़ो बालवीर की सीख पे मैं तुम्हें देती हूँ 100 में से। ठीक निशाने पर लगा है मेरा तीर। लेकिन अगर तुम चाहो तो फिर मेरी उम्मीद पकड़ कर कालरो चल सकते हो। मैं तुम्हें संभाल कर लेकर जाऊंगी कालरो। तुम जब अपने मन को पूरी तरह से शांत करना सीख जाओगे वो पोशाक खुद ब खुद तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। बालवीर के रूप में तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद है, बुराई की हार और अच्छाई की जीत। बालवीर और शेर सर ने मुझे कहा था कि बुराई से लड़ना मेरा काम है और आज मैं वही काम पूरा करने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ भगवान की ये काम इजी नहीं है, इसलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए भगवान। मुझे शक्ति दो भगवान, शक्ति दो, इस दुनिया को बचाने की शक्ति दो। शक्ति दो भगवान, शक्ति दो उस नकली प्रिंसिपल तिमनासा को सबक सिखाने के लिए। मुझे कल लोग जाना होगा, इसलिए मुझ तक बालवीर की पोशाक पहुँचा दो भगवान। प्लीज मुझ तक पहुंचा दो बालवीर की पोशाक प्लीज। बालवीर के रूप में तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद है, बुराई की हार और अच्छाई की जीत। मुझे कल लोग जाना होगा भगवान, प्लीज मुझे शक्ति दो, प्लीज बालवीर की पोशाक मुझ तक पहुंचा दो भगवान प्लीज। मैं जानता हूँ भगवान की ये काम इजी नहीं है, शक्ति दो भगवान, शक्ति दो उस नकली प्रिंसिपल तिमनासा को सबक सिखाने के लिए। मुझे घर लोग जाना होगा, इसलिए मुझ तक बालवीर की पोशाक पहुंचा दो भगवान प्लीज। मुझ तक पहुंचा दो बालवीर की पोशाक प्लीज। यंत्र देकर शेर सर ने मुझे कहा था कि इसका इस्तेमाल करके मैं ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पहुंच सकता हूं। तो फिर यात्रा यंत्र मुझे कल लोग में उस जगह ले चलो जहां धूम्रकेतु की शक्ति कलोरा यंत्र में पहुंच रही है। विमान कलोरा यंत्र को नष्ट करने का लोग जा रहा है। लेकिन वो तिमनासा और बालपरी का अकेले सामना कैसे करेगा? शौर्य, हमें किसी भी कीमत पर उसे रोकना होगा। अब उसे रोका नहीं जा सकता क्योंकि वो काल लोग पहुंच चुका है। ये यंत्र लेकर शेर सर ने मुझे कहा था कि इसका इस्तेमाल करके मैं ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पहुंच सकता हूँ। तो फिर यात्रा यंत्र मुझे कल लोग में उस जगह ले चलो जहाँ दूसरा के दुखी अपनी कलोरा यंत्र में पहुंच रहा है। यंत्र को नष्ट, ये तो किसी कबाड़ी का गोदाम लग रहा है। वैसे नाम ही कर लो कैसे कहा तो यहाँ पर फूल के गार्डन तो हो ही नहीं सकते। ये लुक की जैसे शौर्य थोड़ा वीर लोग वालों की वीरता का स्वाद चखाया जाए। विमान अकेले ही काल लोग पहुँच गया, इस वक्त उसकी जान को बेहद खतरा है। शौर्य अब क्या करेंगे हम? मुझे बालवीर से बात करनी होगी, आगे क्या करना है इसका फैसला बालवीर ही कर सकता है। हा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 
महारानी की हंसी कितनी भयानक है। आपकी हंसी तो ऐसे है जैसे आपको कोई जबरदस्ती गुदगुदी कर रहा है। अभी तक ठीक से उड़ना सीखा भी नहीं उस चूजे ने और गिद्ध से लड़ने की उड़ान भर रहा है। इस वक्त उसकी जान को बेहद खतरा है। तो ये है वो कालो रायन। मुझे बालवीर से बात करनी है। लेकिन तिमनासा नहीं है किसी को भी आगे क्या करना पहरा देने के लिए नहीं रखा। फैसला बालवीर तो उसने सोचा होगा कि यहाँ काल लोग में जूनियर बालवीर तो आ ही नहीं सकता और यही तिमनासा ने कर दी गलती। अब इस कलोरा यंत्र को ऐसा गायब करूंगा कि काल लोग वाले ढूंढते रह जाएंगे। हंसी कितनी भयानक है और आपकी हंसी तो ऐसे है जैसे आपको कोई जबरदस्ती गुदगुदी कर रहा है। ऐसा अभी तक ठीक से उड़ना सीखा भी नहीं चूते ने और गिद्ध से लड़ने की उड़ान कर रहा है। देखो तो कितना होनहार बच्चा आया। तो ये है वो कलोरा यंत्र बाद में तोड़ लेना। इतनी भी जल्दी क्या? पहले आकर बड़ों को आशीर्वाद दो। मेरे लिए मेरी मम्मी का आशीर्वाद ही काफी है। नकली प्रिंसिपल मैम, वैसे मैं यहाँ आशीर्वाद लेने नहीं आई थी, आप सबकी फिरकी लेने आया हूँ। अब इस कलोरा यंत्र को ऐसा और वो कैसे करोगे तुम? क्यों गायब क्या? उंगली कसम, तुम तो हो गया। नक्को, जो तुम भी होने वाले हो। देखो तो कितना होनहार बच्चा आया। ये कलोरा यंत्र बाद में तोड़ लेना। कुछ तो बात है इस बच्चे में। कुछ बात नहीं, बहुत कुछ बात है मुझ में। मम्मी का आशीर्वाद ही काफी है। नकली प्रिंसिपल मैम, वैसे मैं आशीर्वाद लेने नहीं, आप सबकी फिरकी लेने आया हूँ। अच्छा, क्या हुआ छोटे? और वो कैसे? सारी हजम नहीं हुई? तारीफ भी आजम हुई और तुम भी आजम हो गए, जो तुम भी होने वाले। वाह क्या बात है, तुमने जो काम किया है उसके लिए तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। अच्छा तुमने इन सबको तो गायब कर दिया, पर मैं तो यही खड़ी हूँ, मुझे भी गायब करके दिखा। कुछ तो बात है इस बच्चे। कुछ बात नहीं, चलो बहुत कुछ बात है मुझ में। लेकिन शौर्य, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बालवीर की परिक्रमा को भंग किए बिना ही उसे बता दे कि यहाँ क्या चल रहा है? चलो बता सकते हैं मस्ती पर। चुटकी क्या बात है शौर्य, आपने मेरी अंतरात्मा को क्यों बुलाया? क्योंकि तुम्हारी परिक्रमा को तोड़े बिना हमें एक बात बतानी थी तुम्हें। बालवीर, दरअसल विवान हम में से किसी को भी बिना बताए काल लोग चला गया तिमनासा से लड़ने और उस कलोरा यंत्र को नष्ट करने। हाँ बालवीर, लेकिन तिमनासा ने कलोरा यंत्र की शक्ति से पृथ्वी के सारे बच्चों को बुराई के राह में धकेलने की योजना बनाई हुई है। बता सकते हैं मस्ती पर। सबसे बड़ी बात तो यह है बालवीर कि तिमनासा की शक्तियां पृथ्वी पर भी काम कर रही है।
इतना सब कुछ हो गया और आप सब मुझे अब बता रही है। तुम्हारी परिक्रमा अपने अंतिम पड़ाव पर है। बाल परी के लिए तुम्हारा तप पूरा होना जरूरी है। लेकिन पृथ्वी के सारे बच्चे और विवान की सुरक्षा, इसीलिए मैंने तुम्हारी अंतरात्मा को आवाज लगाई है बालवीर, ताकि तुम फैसला कर सको। क्योंकि तुम्हारी आगे क्या करना है बिना हमें एक बात बतानी थी तुम्हें। और उस कलोरा यंत्र को चकनाचूर हो इसकी आशा। तिम्नासा ने कलोरा यंत्र की शक्ति से पृथ्वी के सारे बच्चों को बुराई के राह में धकेलने की योजना बनाई हुई है। अरे ये क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है, तुम्हारा जादू तो मुझसे काम ही नहीं कर पा रहा। पृथ्वी पर भी काम कर रही है। इतना सब कुछ हो गया और आप रोना मत बता रही। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख पाऊंगी। तिम्नासा इतनी भी बुरी नहीं। तब पूरा होना, चलो वापस कोशिश करो एक बार फिर से। पृथ्वी के सारे बच्चे और मजा सुरक्षा, इसीलिए मैंने तुम्हारी अंतरात्मा को आवाज लगाई ताकि तुम आगे क्या करना है। बिगड़े इनकी बुरी शक्ल हो जाए इन पर, चल चल इसकी आशा गायब हो। तिम्नासा कहाँ हो पार्टनर, अब मैं क्या करूँ? तुम्हारा जादू तो मुझको काम नहीं कर पा रहा।